सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से अष्टमी का पावन दिन रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिहंत लाए हैं खबरों का एक और झरोखा आपके पास खूब सारी खबरों साथ। पर पहले शुरुआत करते हैं श्री समेश जी से। आपके पास कुछ चेहरे पहचान रहे आप, ये शायद घाव भर नहीं पाएंगे जैन समाज के जो जो इनके मुख से बोल निकले थे। जितने भी जैन समाज के मंदिर हैं ना टोके शिखर जी पर, सबको बाबरी मस्जिद तोड़ कर फेंक देंगे। शायद यादों का पुका होगा सार्वजनिक मन से सबके सामने कहा था दिगंबर वनराज कपड़े पहन लो, नहीं तो यहां पर जाना बंद कर दिया जाएगा। ऊपर टोंक के ऊपर ध्यान कर रहे थे मुनिराज और उनसे किस तरह अपशब्दों की बात की गई थी। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, कई ने किया है और उस पर अब तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, FIR कोई पुलिस ने की शिकायतें बहुत की, हमने भी की, सबने की, केस चल रहा है अदालत में। पर एक केस पर आज शाम को शायद ये रात लिख दी होगी और कल आपके सामने जाएगी। क्या इन सब पर प्राथमिकी होनी चाहिए, क्या FIR दर्ज होनी चाहिए, क्या इन्होंने ऐसा गुनाह किया है और शिखर जी पर जैन समाज को क्या न्याय मिलेगा, अब यह अदालत ने निर्णय अपनी फाइल में बंद कर लिया है। बस आज सुबह और इसके बारे में निर्णय कल। सालखर मुर्मू पूर्व सांसद हैं, लोबिन हेम्ब्रम, करण महतो, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने इस तरह से अपशब्दों की, जैन धर्म की, संस्कृति की, विरासत की, पावन तीर्थ समझ गए कि किस तरीके से बातों में अपने अंदर अवमानना की थी, शर्मसार किया था, अरे जिनका सम्मान करना था उन्हें नीचे गिरने की कोशिश की गई, जिनको पूछते हैं उनके बारे में अपनी हैवानियत दिखाई थी, बस उनके बारे में अदालत ने अपना निर्णय बंद कर लिया है। और उम्मीद है कल सुबह जब सूरज खुलेगा, सूरज निकलेगा, तो आप कहेंगे वह निर्णय सामने आ जाएगा कि इन पर क्या प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। इंतजार है उस निर्णय का। कोल्हापुर में आखिर हो गई घोषणा जिसका जैन समाज को इंतजार था। महाराष्ट्र स्टेट जैन वेलफेयर कॉरपोरेशन एक निगम बना दिए गए। हम कहते ना आयोग बने, बोर्ड बने, जैन विकास आयोग, जैन विकास बोर्ड के रूप में 160 विधायक और 28 सांसदों के समर्थन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने घोषणा कर ही दी एक ऐतिहासिक निर्णय जैन समाज के इतिहास के लिए, उनके संरक्षण के लिए, जैन समाज की विरासत, संस्कृति, धर्म, उनकी सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कहा जाए विरासत सुरक्षा के लिए यह बोर्ड जो कॉरपोरेशन निगम है काम करेगा। अभी इसकी औपचारिक घोषणा हुई है, अभी कार्यविधि सब में वक्त लगेगा। बनी गया आखिर महाराष्ट्र स्टेट में महाराष्ट्र स्टेट जैन वेलफेयर कॉरपोरेशन, राजस्थान में बन गया है, कर्नाटक में बन गया है, अब और जगह पर और राज्यों में इसकी आवश्यकता है आज। और कहा जाए तो राज्यों की बजाय केंद्र से अगर बनता है ऐसा बोर्ड तो बहुत अच्छा रहता है और सभी राज्यों पर उसका असर और व्यवहारिक रूप से जैन समाज का हित होता है। और आचार्य श्री सुनील सागर महामुनिया संघ पहुंच गए अब, कहते हैं नसियों की नगरी जहां सोने की नसिया सोने का रथ है उसी अजमेर के अंदर, उसी अजमेर में जहां आचार्य श्री विद्या मुनिराज को दीक्षा ग्रहण हुई थी, जहां पर उन्होंने गुरुवर दादा गुरु से दीक्षा की 30 जून 1900 उसी जगह में अजमेर में पहुंच गए आचार्य। देख रहे हैं पाद प्रक्षालन 51 थालियों से और थालों के साथ और आरती सब भव्य रूप से यह प्रवेश हुआ अजमेर के अंदर जिसके दृश्य आप देख रहे हैं। पर इससे खास बात आज सुबह हुई, सोनी जी ने आज अजमेर के अंदर 5 नसियां हैं, यह सोनी जी बताते हैं सीधी लाइन में एक साथ है और आधा किलोमीटर के अंदर सारी नसियां हैं। सबसे पहले नसिया पड़ती है सोनी जी की नसिया जिसको आप देख रहे हैं, जहां पर कहते हैं सोना ही सोना है। यहां पर दूसरी मंजिल पर आदिनाथ भगवान के गर्भ और जन्म कल्याण और तप कल्याण की आप उसको देख सकते हैं क्या वह दृश्य रहे होंगे। नीचे तल पर ज्ञान कल्याण और मोक्ष कल्याण के दृश्य हैं जो आचार्य सुनील सागर ने आज उन संघ ने उसको देखा था। गजब के दृश्य थे, गजब का जब हम लोग जाते हैं अंदर प्रवेश नहीं है पर ऐसे अवसरों पर आप अंदर उसमें प्रवेश कर जाते हैं जैसे ये सौभाग्य मिलता है और ऐसा देखकर कहते हैं दांतों तले उगदी, इतने प्राचीन और हर कुछ सोना ही सोना दिखता है, गजब का जैसा है, सजीव लगता है जैसे उसी वातावरण में हम पहुंच गए हैं, जो ये दृश्य देखकर गदगद करते हैं। यह है सोने जी की नसिया, पहली नसिया उन 5 नसियों से जो सोनी जी ने आज आचार्य श्री सुनील सागर महामुनिराज संघ को दर्शन कराए। दर्शन आप भी कर रहे हैं इस गजब की सोनी जी की नसीहत। ऊपर आचार्य श्री गए थे छत के ऊपर मंदिर में तो उन्होंने चारों तरफ का नसीहत दर्श लिया, शहर और ऊपर का दृश्य देखने पर और आनंदित कर रहा था।
और इससे पहले आचार्य श्री का कहते हैं संत मिलन, उपाध्याय विश्वानंद जी महाराज के साथ उसके दृश्य देख रहे हैं आप। जब जब संतों का इस तरह मिलन होता है तो कहते हैं हमारी संस्कृति विरासत और मजबूत होती है, आनंद के रोम पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि जब ये दो गंगा जमुना सरस्वती जब मिलते हैं तो कहते ना ऐसे ही संदेश मिलते हैं, बस उसी तरह संतों का मिलन भी हमें इसी तरह का संदेश दे जाता है। लगभग एक पखवाड़े से बहराल ब्रह्मचारी निशांत भैया जी प्रतिष्ठाचार्य लंदन से आज वापस आए हैं। छतरपुर राजेश कुमार जी है ना, उनका कारोबार है लंदन में और उन्होंने वहीं पर ही एक जिनालय अपने बगीचे में स्थापित किया है। वहाँ की प्रतिमाओं का पंचकरण कुंडलपुर में हुआ था और अब उन्हीं के साथ उन निशांत भैया के निर्देशन में यह काम हुआ, शांतिनाथ जिनालय, जिसके अंदर उनके अलावा संभवनाथ जी की, सुमतिनाथ जी की, अरयनाथ जी की, विमलनाथ जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई। और जब लंदन में यहाँ गए तो उन्होंने वहाँ पर सब कुछ टेम्परेचर पता होगा 3 से 4 डिग्री और उसके अंदर 200-300 श्रावक श्राविकाएं धोती दुपट्टे बैठते थे, गजब के दृश्य थे। उनके जैन संबोधन उनको सबको अपनी संस्कृति के बारे में याद दिला रहा था। कहते हैं वह 15 दिन बहुत आत्मविभोर थे, पर इसके साथ उन्होंने जो काम किया वह था ब्रिटिश म्यूजियम में निहारना जैन प्रतिमाओं को, इतिहास को, संस्कृति को। अब वह दिखाते हैं, ये दृश्य देख रहे हैं आप, जैन शंत भैया जी द्वारा भेजे गए चैनल महालक्ष्मी को। कहते यहाँ पर जब देखा तो सचमुच लगता है कि जैसे जैन विरासत किस तरीके, उनका यह कहना जरूर है कि हमारी विरासत को यहाँ पर बहुत अंग्रेजों ने संभाल कर रखा गया है, चाहे पांडुलिपियाँ हों चाहे यह प्रतिमाएँ हों, आदि महावीर की प्रतिमा, अनोखी प्रतिमा, सरस्वती जैन सरस्वती प्रतिमा, आदिनाथ प्रतिमा, बाहुबली प्रतिमा, कहते हैं एक से एक यहाँ प्रतिमाएं देखकर हैरान होते। कंकाली टीला मथुरा में वहाँ की प्रतिमा उन्होंने देखकर गदगद हो गए, कहते आंखों से आंसू निकल आए इनकी प्रतिमा को देखकर, अपने इतिहास को देखकर, अपने वैभव को देखकर, अपनी संस्कृति देखकर। निशांत भैया जो फोटो भेजे हुए वह हमने आपको आज दिखा रहे हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम जैन संस्कृति से किस तरह से विरासत को आज भी सजीव करे हुए संजो के रखा हुआ है। कोटा गुलाब वाली रहने वाली सुशीला देवी जी, उन्होंने अभी जो गया ना महावीर स्वामी जन्म लड़क 21 अप्रैल को, उस दिन तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी के शिष्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी से दीक्षा ली थी, आरिका दीक्षा, और फिर तभी आचार्य जी द्वारा उन्हें संलेखना दे दी गई और 28 अप्रैल को उनकी समाधि मरण हो गया और अंतिम क्रियाएं की गई। चलन महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। कहते हैं जीवन के जब लगे कि हमारी आयु की रेखा छोटी हो रही है तो समझ लीजिए अपने इस जीवन को अस्पतालों में तड़पाने की बजाय, डॉक्टरों के सुइयां घोपने की बजाय, वेंटिलेटर के बजाय इस तरीके से लेते हैं तो इस जीवन को कहते हैं आप अलौकिक करके अपने भवों के जंजाल को छोटा कर लेते हैं। झुमरी तलैया का ये हेल्पिंग हैंड्स देख रहे हैं आप और ये इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि इस तरह के कार्यक्रम हर जगह गांव-गांव शहर शहर में होने चाहिए। जो ये यहाँ पर क्या है, कुछ नए पुराने सामान जो होते हैं ना आपके घर में जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं युवा लोग, ये हेल्पिंग हैंड्स एक संस्था के अंदर, और फिर उनको इकट्ठा करके सारे ज़रूरतमंदों को बुला लेते हैं। बिंदी, लिपस्टिक, साइकिल, बच्चों के खिलौने और बड़ों के सामान, युवाओं के सामान, अटैची, बैग, सब कुछ जो है, और उसको केवल 10 रुपये मात्र में सेल के लिए, जिसे ये लगे कि आपको मुफ्त दिया गया है, निशुल्क दिया गया है, कोई एहसान किया गया नहीं, आपको मात्र में इस तरह 1100 लोगों को यहाँ पर 5000 सामान दैनिक चर्या वाले दिए गए। यह इसलिए उपयोगी है कि इस तरह से आप जो आपके घर में उपयोग नहीं हो रहा वह सामान किसी घर में जाके सदुपयोग हो जाता है और आपके साथ यह चंचला लक्ष्मी का साथ आप उस सामान का भी सदुपयोग करके दान के रूप में, सहयोग के रूप में जरूरतमंद तक पहुंचा देते हैं। है ना अच्छा कर्म, बस अपने जगह पर नकल कीजिए इसकी, हेल्पिंग हैंड्स की। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।